हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक और न्यू अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि त्रिपैड का। ये त्रिपैड अलग तरह का है जो कि मोबाइल स्टैंड भी है एंड कैमरा स्टैंड भी है। एंड आपको ये अलग तरह का है जो कि मुझे पहले ये पता नहीं था जब मैं एक्सपेरिमेंट का वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन मुझे अभी ये जरूरी था ये स्टैंड मंगाना क्योंकि जल्द ही एक्सपेरिमेंट का वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी क्वालिटी को देखते हैं। इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है और इसके बारे में जब जानकारी है वो वीडियो के एंड में जानेंगे यदि ये हाई बी क्वालिटी हुआ तो। ठीक है, तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। इस बॉक्स के अंदर से एक बॉक्स हमें और मिल गया है। ठीक है, तो इस बॉक्स को फटाफट से ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों मैं सबसे पहले आपकी तरफ से इस बॉक्स को ओपन करता हूं कि इसका व्यू कैसा दिख रहा है। सो आप ये देख सकते हो इसके अंदर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो कि एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको रखता हूं मैं सामने की तरफ आप लोगों को और सबसे फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है हम लोग का कुछ इस तरह का है जो कि मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। और दोस्तों ये सबसे फास्ट प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाता है। ये हम लोग को टेबल में या दीवार में या आप किसी भी टेबल में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसका पूरा हाइट है जो कि आप देख सकते हो इतना मोटा तक लकड़ी में आप इसे असेंबल करके आसानी से इस स्टैंड को लगा सकते हैं। तो पहले इसको रखते हैं साइड में। और दोस्तों इसके अंदर से हमें मिलता है एक मोबाइल होल्डर जो कि आप ये देख सकते हो। मैं पीसीबी को पहले साइड में रखते हैं हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हो ये हम उनका मोबाइल होल्डर है जो कि बहुत ही बड़ा है। देख सकते हो मैं आपको हाथ के हिसाब से नाप के दिखा रहा हूँ, कुछ इतना भारी है ये। और इसके अंदर हम लोग को टैबलेट फोन वगैरह देने की आपको मैं दोनों ला के चेक कराता हूँ। अभी फिर वीडियो के एंड में भी देख लेंगे पर अभी मैं चेक कराता हूँ। ये हमारे पास छोटा फोन है जो कि बहुत ही पुराना मॉडल है, मेरे से ही पुराना मॉडल है। और ये भी आप ये देख सकते हो ये टैबलेट है बट बहुत ही पुराना मॉडल है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आप ये देख सकते हो इसको लगाते हैं, इसके अंदर देखते हैं बैठता है। और ये दूसरा फोन लगा के देखे अपने छोटे वाले फोन को हम लोग का लगेगा कि नहीं, तो इसको भी इस तरह से रख लेते हैं और कुछ इस तरह से इसके अंदर हम लोग को फोन लगा के देखते हैं। यार इसके अंदर बिल्कुल फोन ये भी बैठ गया, देख सकते हो आप लोग ये फोन आसानी से लग गया है। और इसके अंदर हमें दो खूबी और मिलते हैं। यदि आपका फोन चार्जिंग मतलब इसमें आप वीडियो शूट करते समय आप चाहते हैं चार्जिंग करना तो आपको इस साइड में आप देख सकते हो कि हेडफोन लगाने के लिए या चार्जिंग के लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यदि आपका इस साइड नहीं है या तो आपको इस साइड भी मिल जाता है, देख सकते हो इस साइड में भी हम लोग अपने फोन को चार्जिंग हेडफोन वगैरह लगा सकते हैं। इसको एडजस्ट करके अपने फोन को देख सकते हो तो थोड़ा भर इसे एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है, तो इसमें लग जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं और इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं अपने स्टैंड को। ठीक, और हम लोग को इस प्रोडक्ट के अंदर मिल जाता है अपना फाइनल स्टैंड जो कि आप ये देख सकते हो। तो स्टैंड को भी निकाल लेते हैं, इसलिए इसको सबको साइड में रखते हैं हम लोग क्योंकि ये सब कचरा है तो कचरा फेंकना नहीं चाहिए। पहले इसको नीचे रख दिया हूँ, बाद में हम लोग इसे निकाल लेंगे। और ये रहा हम लोग का स्टैंड जो कि आप ये देख सकते हो। वो भाई साहब यार देख सकते हो इसके अंदर हम लोग को सिर्फ दो फोल्डेबल मिल जाए, मतलब दो तरह से मोड़ सकते हैं और ज़्यादा नहीं। आप ये देख सकते हो इसे इतना नीचे तक हम लोग कर सकते हैं, शायद नहीं मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक स्क्रू भी मिल जाता है, इसे बड़ा ढीला छोटा मतलब ढील टाइट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक मिल जाता है। और इसको असेंबल करेंगे हम लोग, जो हम लोग का ये मिल जाता है लकड़ी में लगा लेंगे। इसको कुछ इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट करना होगा सबसे पहले, तो मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ। देख सकते हो यह असंभव हो चुका है, कोई नहीं फटाफट हो गया है तो बिल्कुल आसानी से। एंड हम लोग का जब बचा मोबाइल होल्डर इसे भी यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हो इस तरह से कर देता हूँ, एक हम लोग का यहाँ पे छोटा सा ही आपको मिल जा रहा है क्लिक, देख सकते हो आप लोग इसके अंदर हम लोग का ये मोबाइल होल्डर लग जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस बोल्ट को निकाल लेंगे, इसके अंदर एक बोल्ट हम लोग को मिल रहा है, इस बोल्ट को हम लोग निकाल लेते हैं और इसके अंदर लगा देते हैं। ठीक है, लगाने के बाद सबसे पहले अब अभी हम लोग इस मोबाइल होल्डर को इसके अंदर बैठा देंगे कुछ इस तरह से, देख सकते हो आप लोग शायद कैमरे में दिख रहा होगा। और इस मतलब इस बोल्ट को हम लोग टाइट कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसे टेबल के अंदर सेट करके देखते हैं कि मतलब ये कैसा इसका व्यू आ रहा है। ठीक है, तो इसको टेबल के अंदर सेट करने के लिए सबसे पहले आपको इसे ढीला करना होगा, जो हम लोग को ये बोल्ट दिख रहा है इस बोल्ट को ढीला करेंगे और कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट करके इस बोल्ट को हम लोग टाइट कर देंगे। ठीक है,
और दोस्तों हम लोग का स्टैंड तो इसके अंदर लग जा रहा है, लेकिन यार ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप ये देख सकते हो स्टैंड हम लोग का पूरा तरह से लग चुका है, बट यदि मैं चाहूं कि इस टेबल पर का वीडियो शूट कर पाऊं तो इस टेबल पर का वीडियो बिल्कुल ही नहीं शूट कर पाऊंगा, क्योंकि आप ये देख सकते हो स्टैंड हम लोग का इस साइड में नीचे की साइड में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये हम लोग का जो बोल्ट है वो लड़ जा रहा है, इसको नीचे नहीं आने दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो मोड है यहाँ पे भी हम लोग का स्टैंड इस साइड में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से स्क्रू देख सकते हो कुछ इस तरह का है। तो हम लोग का ये जो स्टैंड है हम लोग को टेबल पे वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे। मैं इसके स्टैंड को इसी के थ्रू लाया था कि मैं अपने टेबल का वीडियो शूट कर पाऊंगा इजिली इसके थ्रू, बट ऐसा नहीं है। इसके थ्रू सिर्फ हम लोग सामने का वीडियो शूट कर पाएंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हो इसको सामने की तरफ आप कितना भी मोड़ सकते हो, कितना भी कुछ भी करके आसानी से इजिली वीडियो शूट कर सकते हो। देख सकते हो आप लोग कि किसी तरह से भी ये सामने की तरफ जा रहा है, आप ये देख सकते हो, यानी कि इस स्टैंड से आप सिर्फ सामने की साइड का वीडियो शूट कर पाएंगे, लेकिन आप टेबल का वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे। मैं एक बार अच्छे से इसको फिर जांच लेता हूं, फिर आपको वीडियो के अंदर बताता हूं, ठीक है। और दोस्तों इस स्टैंड से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी थी वो मैं आपको सब कुछ दे चुका हूं। आपको फिर से बता दूं कि ये टेबल की वीडियो यदि आप शूट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इसे सेट कर रहे हैं हम लोग, यानी कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हम लोग जब इसको अपने टेबल में सेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यह हम लोग का इस साइड में होल्ड नहीं हो रहा है। आप ये देख सकते हो इस साइड तो हो जा रहा है, लेकिन इसको टाइट करने के ये कस देने के बाद हम लोग का इस साइड में ये फोल्ड नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये फोल्ड नहीं हो रहा है, देख सकते हो। यानी कि दोस्तों ये प्रोडक्ट में जिस मकसद से मंगाया था वो बिल्कुल नहीं हो पाया, यानी कि मेरे लिए प्रोडक्ट बिल्कुल कचरा है। यदि आपको इस प्रोडक्ट का आवश्यकता है तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी की बात करते हो क्वालिटी बहुत ही हैवी है, क्योंकि बहुत अच्छा है क्वालिटी देखने में लग रहा है, एंड इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइस, एंड आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिखाए जा रहे हैं कितने हैवी है भी, एंड इसी को देख के मुझे लगा कि शायद मैं इसके टेबल का वीडियो अपना शूट कर पाऊँ, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू इस वीडियो फॉर वॉच टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि मुझे पता है, फिर भी मुझे प्लीज यार कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।